इसे मैं कहता हूं हैव एन आउटस्टैंडिंग, हैव एन आउटस्टैंडिंग अनडिस्ट्रॉयबल फेथ ऑन योर सेल्फ एंड इन योर वर्क. हैव एन आउटस्टैंडिंग अनडिस्ट्रॉयबल फेथ ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर वर्क. आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल. ऑगस्ट 1962 के अंदर स्टेनली कल के यंग लड़का था, यंग लड़का, आई काउंट इट यंग बॉय, अपने माइट बी ऑफिस के अंदर बैठ के कुछ स्केच कर रहा था, रैंडम स्केच कर रहा था. देखिए यार क्या बात है, बहुत एपिक प्रोडक्ट मैंने डिज़ाइन किया, बहुत ही एपिक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है. एंड उसको पता था कि जो प्रोडक्ट मैंने डिज़ाइन किया है ना, वो जब मार्केट के अंदर जाएगा ना, तो मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करेगा. दैट लेवल ऑफ फेथ ही हैज. आप उस प्रोडक्ट को आज स्पाइडरमैन के नाम से जानते हो, स्पाइडरमैन, राइट. अब स्टेनली जब डिज़ाइन कर रहे थे ना स्पाइडरमैन को, तो वो 10 लोगों को पूछने के लिए नहीं कहते स्पाइडरमैन ऐसे करेगा तो वेब निकलेगा तो अच्छा लगेगा, कि स्पाइडरमैन ऐसे करेगा तो वेब निकलेगा तो अच्छा लगेगा. ना ही वो 10 कंट्रीज के अंदर घूमे थे और ये सोचने के लिए, यार इंडिया में ना स्पाइडरमैन का कलर थीम येलो और ब्लैक रहेगा तो अच्छा रहेगा, एक काम करते यूरोप के अंदर शायद व्हाइट और पर्पल रहेगा तो अच्छा रहेगा. वो मल्टीपल जगह पर घूमने के लिए या पूछने के लिए नहीं गए थे. इट इज जस्ट दैट कि वो जो काम कर रहा था उस प्रोडक्ट के ऊपर उसको इतना फेथ था ना, कि ये जो मैं बना रहा हूं ना वो एपिक वर्जन बना रहा हूं. अंडरस्टैंड वन फैक्ट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, बिजनेस कभी भी आपके प्रोडक्ट से ओवरनाइट रिवॉल्यूशन नहीं आता लाता. बिजनेस हमेशा आपका जो फेथ है उस प्रोडक्ट के ऊपर उससे रिवॉल्यूशन लाता है. एंड व्हेन ही मेड दैट प्रोडक्ट ही वाज सो कॉन्फिडेंट, और इतना जबरदस्त फेथ था कि यार खत्म. इसका इसी फेथ देख के, इनका यही फेथ देख के, एक इंटरनेशनल कंपनी मार्वल, इनका यही फेथ देख के इस प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करती है. और सबसे पहले कॉमिक रिलीज होती है, और कॉमिक जैसे ही मार्केट के अंदर जाती है ना, लाइक ओवरनाइट रिवॉल्यूशन हो जाता है, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ बिजनेस. अब ये दोनों का फेथ मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का फेथ मल्टीप्लाई हो गया. अब थर्ड रिस्क आया कि यार एक काम करते हैं, मूवीज बनाते हैं. एंड वी ऑल नो कि भाई स्पाइडरमैन का मूवीज कहाँ से कहाँ, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ बिजनेस. चलो अगेन ये थे इंटरनेशनल बात, थोड़ी लोकल बात करते हैं. गालिब आज़ाद भोपाली और शैलेश पांडे दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने ऐसा सोचा कि यार एक काम करते हैं ना, इंडिया के रेफरेंस में कुछ सुपर हीरो को डिज़ाइन करते हैं. और आई गेस अराउंड 10-15 ईयर्स बिफोर इन्होंने एक ऐसा सुपर हीरो डिज़ाइन किया कि जो सुपर हीरो इतना यूनिक था ना, कि वो ऐसे हम ऐसे उंगली करता था और गोल 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 घूमता था, और कहीं पर भी जाके लोगों को एक होप इंस्पिरेशन बचा के आ जाता था, जिस इंसान को आप सुपर हीरो को आप शक्तिमान के नाम से जानते हो, राइट. आप शैलेश पांडे और गालिब आज़ाद भोपाली जब शक्तिमान को डिज़ाइन कर रहे थे, तो सिचुएशन पर उन्होंने यही सोचा कि शक्तिमान ऐसे उंगली करेगा और गोल गोल घूमेगा तो अच्छा लगेगा, कि ऐसे उंगली करेगा और गोल गोल घूमेगा तो अच्छा लगेगा. ओके, द पर्पस वॉज वेरी क्लियर कि जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो प्रोडक्ट इतना ज्यादा इंस्पायरिंग होगा कि वो हजारों लाखों लोगों को पॉजिटिविटी और सिर्फ होप 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 देता रहेगा. एंड इट वॉज अ मैग्निफिसेंट गेम चेंजिंग सीरियल इन द इंडियन हिस्ट्री. बिकॉज जब शक्तिमान स्टार्ट हुआ ना, तो यू ऑल नो कि लोगों का एक्साइटमेंट लेवल कौन से लेवल तक पहुंच गया था. इतने हद तक, लेट्स से घर के अंदर अगर माँ बाप कहते हैं ना बेटा ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो मॉम डैड आई डोंट लाइक, राइट. और बाई चांस वो 30-40 मिनट्स की एपिसोड के बाद शक्तिमान जब आता था और कहता था ना कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, एंड बच्चे हाँ चलो अच्छे खाना स्टार्ट कर देंगे, राइट. दैट शॉर्ट ऑफ माइंड सेट वी हैड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम. इतने हद तक आपने न्यूज़पेपर के अंदर कई सारे आर्टिकल्स भी देखे होंगे कि लोग अपने बिल्डिंग से कूदना भी स्टार्ट कर दिए थे, ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि शक्तिमान आएगा और हमको बचाएगा. फेथ, फेथ का सिंपल मीनिंग ये होता है विश्वास, बिलीफ सिस्टम. खुद पर 100% रखो, या तो वो एनर्जी पर, उस आप जो भी नाम दे सकते हो या देना चाहते हो उस एनर्जी के ऊपर, लेकिन ये 50-50 वाला सिस्टम छोड़ दो. फेथ और कुछ नहीं करता, इंसान को अंदर से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर बना देता है, फाइटर. ठीक है बार फेल भी होते हैं, दैट्स ओके. फेल हुए ना फाइट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चेंज करेंगे, स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे, ग्रो हो जाएंगे. फेद आदमी को हार्ड कोर फाइटर बना देता है, हार्ड कोर फाइटर. देयर आर ऑलवेज टू ऑप्शन, वन आइदर यू कैन गेट डिफीटेड और आइदर यू कैन लॉस्ट, यू गेट लॉस्ट. लॉस और डिफीट में ना, देयर आर ऑलवेज टू ऑप्शन, डिफीट और लॉस.
सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, डिफीट या लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स परमानेंट फेलियर, इधर से जो हार जाते हैं ना परमानेंट लॉस्ट। डिफीट सिंपली मीन्स यार टेम्पररी फेलियर, आई विल फाइट बैक। सो नेवर टेल योर सेल्फ, अपने कभी भी ये मत कहो कि हार गए, ठीक है यार माइनर डिफीट था, कल फाइट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यू ऑल माइट हैव हर्ड दिस लाइन, फेथ कैन मूव अ माउंटेन। ये सुना है लाइन, सालों से सुनता है ना। अब इसका मीनिंग ये नहीं होता क्योंकि फेथ से आप पूरे माउंटेन को ला सकते हो। इट सिंपली मीन्स लाइक फेथ आपके अंदर वो इंटरनल स्ट्रेंथ जनरेट करता है, जिस स्ट्रेंथ से आप जो चाहो अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हो, उतना पावरफुल वे में आपको फाइटर बना देता है। हैव आउटस्टैंडिंग अनडिस्ट्रॉयबल फेथ ऑन योर सेल्फ एंड द वर्क विच यू डू, तब जाके चेंज स्टार्ट होगा। ओके, आई लास्ट सम सिंपल क्वेश्चन, आप ऐसे कितने लोग भगवान के अंदर मानते हो, हाथ ऊपर करो, कम ऑन। सारे के सारे आस्तिक लोग इधर, तो ठीक है। कितने लोग इधर ऐसे जो भगवान के अंदर बिल्कुल नहीं मानते, हाथ ऊपर करो। वाह, नास्तिक भी है, अच्छा। कितने लोग ऐसे कि जो भगवान को एज अ इंश्योरेंस एजेंट यूज करते, हाथ ऊपर करो। इंश्योरेंस एजेंट का मतलब ये होता है कि लेट्स से अगर तकलीफ आई ना, तब या लाइक भगवान 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 भगवान, जब तकलीफ नहीं आता मी 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 मी, आई टर्म दिस कैटेगरी इंश्योरेंस एजेंट कैटेगरी। कितने लोग ऐसे कि जो इंश्योरेंस एजेंट तरीके से यूज करते, हाथ ऊपर करो, कम ऑन। हाँ नाइस, चलो एक्सेप्ट कर रहे लोग, 90% इंश्योरेंस एजेंट वाले कैटेगरी के अंदर ही है, बट ठीक है चलेगा। ओके, मार्क माई वर्ड्स वेरी स्पेसिफिकली, जो इंसान वक्त आने पर, जो इंसान वक्त आने पर अपने भगवान को भी बदल देता है ना, जो इंसान वक्त आने पर अपने भगवान को भी बदल देता है ना, वो जिंदगी में कभी भी एक चीज के साथ और एक कॉज के साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता। रीजन अपना क्या होता है मालूम है यार, ये भगवान के अंदर ना बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। चलो इधर ट्राई करके आते हैं यार। अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज मिला है कि इधर जाने से और इतना क्लाइम करने से और इतना टाइम और इतना एनर्जी और इतने प्रैक्टिसेस करने से रिजल्ट कंफर्म मिलता है। हम भगवान सीक नहीं करते, हम रिजल्ट सीक करते हैं। फेथ का मीनिंग ऐसा होता है कि सरेंडरेंस, मतलब ऐसा सरेंडरेंस ना कि लेट्स अगर लाइफ में तकलीफें भी आ रही है ना, तो उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि ऊपर देख के स्माइल करके बोलने का करेज होना चाहिए कि आई नो इट्स यू, शायद आप मुझे ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हो, इट्स ओके, आई विल डू इट। एक दिन को तो तुमको भी होगा कि बस कर बेटा, दे दे इसको जो देना है। दैट लेवल ऑफ सरेंडरेंस इज नीडेड। वक्त आने पर जो भगवान को बदलते हैं ना, वो अंदर से खोखले होते हैं। खोखलापन जिंदगी में कभी भी रिवॉल्यूशन नहीं ला सकता। स्टेग्नेंट रहो एक चीज के साथ, करेंगे तो एंड तक पहुंचने के लिए करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोला हैव एन आउटस्टैंडिंग अनडिस्ट्रॉयबल, मतलब कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके ना, ऐसा फेथ होना चाहिए अपने खुद के ऊपर, जो काम कर रहे हो उसके ऊपर या तो उसके ऊपर।